हेलो गाइस, स्टोरी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो पर लाइक और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो मूवी की स्टार्टिंग एक अननोन जगह से होती है जहां पर अटैक होने के कारण सभी लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं कि तभी हम एक बिल्डिंग पर एक जायंट स्पाइडर को देखते हैं जो की साइज में काफी बड़ी होती है और वो अपने सामने आने वाली हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर रही होती है। वहीं उसके चारों तरफ काफी सारे हेलीकॉप्टर्स भी मौजूद होते हैं जो कि उसे मारने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी सीन शिफ्ट होता है एक आदमी की तरफ जिसका नाम एलेक्स मैथिस होता है जो कि लॉस एंजलिस में एज अ एक्सटर्मिनेटर काम करता है और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी कुछ ठीक नहीं होती। वहीं इन सब के बाद हम देखते हैं कि एलेक्स एक बूढ़ी औरत के घर एक माउस पकड़ने के लिए जाता है और उस माउस को पकड़ने के बाद वो उसे पार्क में छोड़ आता है, मगर जब एलेक्स वहाँ से जा रहा होता है तो तभी वो बूढ़ी औरत उसकी मदद करने के बदले एलेक्स को एक केक गिफ्ट करती है जिसके दरमियान उस बूढ़ी औरत को एलेक्स के हाथ पर एक स्पाइडर दिखाई देता है जिसे देख कर वो उसे अपनी सैंडल की मदद से मारने की कोशिश करती है, मगर गलती से उसका निशाना चूक जाता है और वो स्पाइडर एलेक्स को काट लेती है जिसकी वजह से एलेक्स अब एंटी पॉइजन इंजेक्शन लगवाने के लिए हॉस्पिटल जाता है जहां पर एक नर्स उसे इंजेक्शन दे देती है। वहीं इसी बीच हम उस हॉस्पिटल में एक डेड बॉडी को देखते हैं जो कि एक बैग में बंद होती है कि तभी उसमें कुछ हलचल होने लगती है जिसकी आवाज सुनकर वहाँ खड़ा एक डॉक्टर उस बैग को चेक करने के लिए जाता है और जब वो उस बैग को चेक कर रहा होता है तो तभी अचानक से वहाँ सभी लाइट्स ऑफ हो जाती है, मगर लाइट आने के बाद जैसे ही वो उस बॉडी को चेक करने जाता है तो तभी उस डॉक्टर के गर्दन पर एक जायंट स्पाइडर काट लेती है जिसकी वजह से वो डॉक्टर चिल्लाने लगता है और फायर अलार्म बजा देता है जिसके कारण हॉस्पिटल में सभी लोग पैनिक हो जाते हैं। इन सब के बाद हम देखते हैं कि एक गार्ड उस डॉक्टर को बाहर ले आता है जहाँ पर वो डॉक्टर उस हॉस्पिटल के मालिक को उस स्पाइडर के बारे में बताता है और कहता है कि उसने अपनी जिंदगी में इतने बड़े साइज का स्पाइडर कभी नहीं देखा, मगर उस हॉस्पिटल का मालिक उसकी बातों का यकीन नहीं करता और उस पर काफी गुस्सा होता है। लेकिन तभी वहाँ एलेक्स उन्हें बताता है कि उसे स्पाइडर्स के बारे में काफी नॉलेज है और वो उनकी मदद कर सकता है, मगर इसके बदले वो उस हॉस्पिटल के मालिक से उसका बिल माफ करने के लिए बोलता है जिस पर हॉस्पिटल का मालिक उसकी बात मान लेता है, जिसके बाद एलेक्स एक गार्ड के साथ वहाँ उस मुर्दा घर में जाता है जहाँ वो उस डेड बॉडी को देखता है। दरअसल उस डेड बॉडी के सारे पार्ट्स उस स्पाइडर ने खा लिए थे और साथ ही उस डेड बॉडी में काफी सारे जाले लगे हुए थे जिसे देखकर एलेक्स काफी घबरा जाता है और उस रूम को चेक करने लगता है जिसके दरमियान उसे वहाँ पर एक वेंटिलेशन डोर खुला मिलता है जिसे देखकर एलेक्स समझ जाता है कि वो स्पाइडर अब उस रूम में नहीं है और इसलिए वो उस गार्ड से पूछता है कि आखिर वो रास्ता जाता कहाँ है, जिस पर वो गार्ड उसे बताता है कि वो रास्ता नीचे बेसमेंट तक जाता है, जिसे सुनकर एलेक्स तुरंत वहाँ से बेसमेंट में जाने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ उस हॉस्पिटल में मेजर ब्रैक्सटन टैनर और उनकी लेफ्टिनेंट कर्ली ब्रांड मिलिट्री टास्क फोर्स के साथ हॉस्पिटल आते हैं और उस हॉस्पिटल के मालिक से कहते हैं कि उनके हॉस्पिटल में गलती से एक इन्फेक्शियस डिजीज पेशेंट की डेड बॉडी आ गई है जो कि आपके हॉस्पिटल के दूसरे पेशेंट के लिए काफी खतरनाक हो सकती है। वहीं इन सब बातों के दरमियान हम एक पेशेंट को देखते हैं जो कि उसी हॉस्पिटल में मौजूद होता है और उसके रूम में भी वो स्पाइडर वेंटिलेशन डोर की मदद से आ जाती है और उस पेशेंट को मार देती है। दूसरी तरफ जब ब्रैक्सटन और कैरली को उस पेशेंट के बारे में पता चलता है तो वे तुरंत उसे देखने के लिए चले जाते हैं जहाँ पर उस पेशेंट को देखने के बाद उनका डॉक्टर उन्हें बताता है कि वो स्पाइडर अब साइज में पहले से 4 गुना ज्यादा बड़ी हो गई है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ब्रैक्सटन और कर्ली उस हॉस्पिटल में किसी डेड बॉडी को लेने के लिए नहीं बल्कि उस स्पाइडर को पकड़ने के लिए आए थे। वहीं आगे हम एलेक्स को देखते हैं जो कि स्पाइडर को ढूंढते हुए नीचे बेसमेंट तक पहुंच जाता है, लेकिन उसे कोई आइडिया नहीं होता है कि वो स्पाइडर उसके पीछे है, मगर उस स्पाइडर के हमला करने से पहले ही वहाँ कर्ली आ जाती है जो कि उस पर फायरिंग स्टार्ट कर देती है जिसकी वजह से वो स्पाइडर वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद एलेक्स और कर्ली दोनों मिलकर उस स्पाइडर को ढूंढने लगते हैं और जैसे ही वो स्पाइडर उन्हें दिखाई देता है तो कर्ली उस पर फिर से शूट करने लगती है, मगर गलती से उसका निशाना चूक जाता है जिसकी वजह से वो स्पाइडर सीवर के अंदर चली जाती है। वहीं इन सभी बातों के बाद कर्ली अब एलेक्स को ब्रैक्सटन के पास ले आती है जहां ब्रैक्सटन एलेक्स से उस स्पाइडर के बारे में पूछता है, जिस पर एलेक्स उसे बताता है कि वो स्पाइडर काफी बड़ा और काफी खतरनाक है, जिसे सुनकर ब्रैक्सटन काफी घबरा जाता है और एलेक्स को
वहाँ से जाने के लिए बोलता है, मगर एलेक्स वहाँ से जाने के बजाय उस गार्ड के साथ स्पाइडर को ढूंढने के लिए निकल जाता है। इसी बीच हम कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जो कि उस स्पाइडर को ढूंढने के लिए सीवर के अंदर आए होते हैं, जहाँ पर उन्हें उस स्पाइडर के काफी सारे जाले दिखाई देते हैं और साथ ही उन्हें वहाँ पर काफी सारे लोगों की डेड बॉडी भी दिखाई देती है जिन्हें की वो स्पाइडर मार चुका था। वहीं दूसरी तरफ अब वो स्पाइडर उस सीवर से निकलकर एक पार्क में पहुंच जाती है और यहाँ हम देखते हैं कि उस स्पाइडर का साइज पहले से भी 4 गुना ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से पार्क में मौजूद सभी लोग उसे देखकर डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। मगर उनके भागने से पहले ही वो स्पाइडर उन पर हमला कर देती है और उन्हें मार देती है। आखिर में वो स्पाइडर एक छोटे बच्चे पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उसके हमला करने से पहले ही वहाँ एलेक्स आ जाता है जो कि उस स्पाइडर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से वो स्पाइडर उसका पीछा करने लगती है। और जब वो स्पाइडर उसका पीछा कर रही होती है तो तभी एलेक्स के पास कर्ली का फोन आता है, जिसमें वो उसे बताती है कि आगे उनका एक ग्रुप उस स्पाइडर को मारने के लिए उसका वेट कर रहा है। लेकिन इससे पहले कि एलेक्स को उसकी बात समझ आती, वे दोनों वहाँ तक पहुँच जाते हैं, जहाँ पहुँच कर वे दोनों कार से निकल कर छुप जाते हैं, जिसके बाद वहाँ खड़े सभी सोल्जर उस स्पाइडर पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन बदकिस्मती से उस स्पाइडर को उनकी गोलियों का कोई असर नहीं होता, जिसे देखकर वे सभी काफी घबरा जाते हैं। मगर तभी वो स्पाइडर एलेक्स के ट्रक से उन पर हमला कर देती है और वहाँ से भागकर एक जंगल में चली जाती है। वहीं अब उस स्पाइडर को ढूंढने के लिए कर्ली अपने ग्रुप के साथ उस जंगल में जाती है, मगर जाने से पहले एलेक्स कर्ली से कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारी मदद करने के लिए आ रहा हूँ, जिस पर कर्ली उसे उनके साथ आने से मना कर देती है और जंगल में चली जाती है, जहाँ पहुंचकर कर्ली के ज्यादातर साथी उस स्पाइडर की वजह से मारे जाते हैं, जिसे देखकर कर्ली काफी घबरा जाती है और वहाँ से भागने लगती है। मगर तभी उसका हाथ उस स्पाइडर के एक वेब में फंस जाता है, जिसकी वजह से कर्ली अपने हाथ को उस वेब से छुड़ाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो अपने हाथ को छुड़ाने में नाकामयाब हो जाती है कि तभी इतने में वहाँ पर एलेक्स आ जाता है, जो कि एक चाकू की मदद से उस वेब को काट देता है, जिसके दौरान वो स्पाइडर उन्हें देख लेती है और उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन उसके हमला करने से पहले ही वहाँ पर वो गार्ड आ जाता है, जो कि उस स्पाइडर पर फायरिंग करने लगता है और उस स्पाइडर पर फायरिंग करने के कारण उन्हें वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। मगर जब वे सभी उस स्पाइडर से बचकर भाग रहे होते हैं तो तभी वो स्पाइडर कर्ली को अपने वेब की मदद से पकड़ लेती है, जिसके तुरंत बाद वहाँ पर काफी सारे सोल्जर्स आ जाते हैं जो कि उस स्पाइडर पर फायरिंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो स्पाइडर कर्ली को लेकर वहाँ से चली जाती है। वही इन सभी बातों के बाद हम ब्रैक्सटन और उसकी टीम को देखते हैं, जहाँ पर एलेक्स गुस्से में आकर ब्रैक्सटन से पूछता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है और वो इतनी बड़ी स्पाइडर आखिर आई कहाँ से, जिस पर वहाँ मौजूद एक प्रोफेसर उसे बताता है कि उन्हें मार्स पर एक एलियन का डीएनए मिला था, जिसकी मदद से उन्होंने हार्मोन की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए उसे एक स्पाइडर पर टेस्ट किया था, लेकिन उनका एक्सपेरिमेंट किसी वजह से फेल हो गया, जिसकी वजह से उस स्पाइडर का साइज बढ़ता ही जा रहा है। और साथ ही वो प्रोफेसर उसे ये भी बताता है कि वो स्पाइडर अब लास्ट स्टेज पर पहुंच चुकी है, जिसका मतलब है कि वो स्पाइडर अब अपने साइज के स्पाइडर्स को रिप्रोड्यूस करेगी, जिसे सुनकर वे सभी काफी घबरा जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम उस स्पाइडर को देखते हैं जो कि उस सिटी में बुरी तरह से तबाही मचा रही होती है और देखते ही देखते वो स्पाइडर एक बिल्डिंग के टॉप पर पहुंच जाती है, जहां पर काफी सारे हेलीकॉप्टर उसे मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। और यहां पर हमें पता चलता है कि उस स्पाइडर ने अपने अंडे उस बिल्डिंग में दिए होते हैं, जिन्हें बचाने के लिए वो उन हेलीकॉप्टर्स को डिस्ट्रॉय कर देती है और साथ ही वो कर्ली और बाकी लोगों को भी उस बिल्डिंग में ले आती है, ताकि अंडों से बाहर निकलने पर बाकी स्पाइडर्स उन्हें खा सके। वहीं एलेक्स को जब ये बात पता चलती है तो वो तुरंत कर्ली को बचाने के लिए वहाँ से निकल जाता है और उस बिल्डिंग में पहुँच जाता है, जहाँ पर उसे कर्ली भी मिल जाती है जो कि अभी भी जिंदा होती है। और साथ ही उसे वहाँ पर काफी सारे लोग भी दिखाई देते हैं जो कि उस स्पाइडर के वेब में फंसे होते हैं। मगर जब एलेक्स उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा होता है तो तभी वे बेबी स्पाइडर्स अपने अंडों से बाहर आने लगते हैं, जिन्हें देखकर वे सभी काफी घबरा जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। वहीं इसी बीच हम उस स्पाइडर को देखते हैं, जिस पर काफी सारे जेट्स हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से वो स्पाइडर उस बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है। और उस स्पाइडर को नीचे गिरता देख वे सभी सोचते हैं कि वो स्पाइडर अब मर चुकी है, मगर तभी वो स्पाइडर फिर से उठ जाती है और उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, जिसे देखकर एलेक्स अपने फ्रेंड से कार में से एक रॉकेट लॉन्चर लाने के लिए बोलता है। और बस ये कहने के बाद एलेक्स उस स्पाइडर की ओर बढ़ने लगता है और मौका देखकर उस स्पाइडर पर रॉकेट लॉन्चर से
शूट कर देता है, जिसकी वजह से वो स्पाइडर ब्लास्ट हो जाती है और मर जाती है। इसी के साथ हमारी मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो पर लाइक और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा।